हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार सुमन, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड आल्सो वी विल सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो आप इसको शुरुआत से अंत तक देखिएगा, ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन यकीन मानिए हर सवाल को जो प्रैक्टिस कर लेते हैं देन यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस। आईटी के लिए बहुत ही ये यूजफुल है और मोर ओवर आई विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर जो कि पूछा जा चुका है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद द क्वेश्चंस गिवन ओवर हियर। देयर आर थ्री एपीज विद द सेम फर्स्ट टर्म, सबका फर्स्ट टर्म सेम है, ठीक है। पहला यही इंफॉर्मेशन है, आपको क्वेश्चंस जो है ना पढ़ने आना चाहिए। डोंट जस्ट रीड द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस, उसके बीच में देखिए कि क्या है, गौर से समझिए, ठीक है। सो सबका फर्स्ट टर्म सेम है, कॉमन डिफरेंस सबका अलग अलग है, पहले का डी वन, दूसरे का डी टू, तीसरे का डी थ्री रेस्पेक्टिवली। इफ देयर एन एस टर्म्स ए एन बी एन एंड सी एन रेस्पेक्टिवली वी सच दैट ए वन अपॉन डी वन इज इक्वल टू टू बी वन अपॉन डी टू इज इक्वल टू थ्री सी वन अपॉन डी थ्री। और ये भी दिया हुआ है साथ ही साथ, मैं यहां पर इसको मिटाता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, तो इसको मैं यहां पर लिखता हूं ए वन अपॉन डी वन इज इक्वल टू टू बी वन अपॉन डी टू इज इक्वल टू थ्री सी वन अपॉन डी थ्री, ठीक है। उसके बाद ए सी वन सॉरी ए सेवन अपॉन सी सिक्स इसको लिखा जाए, ए सेवन अपॉन सी सिक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन सेवन, ये भी दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है ए सेवन अपॉन सी सिक्स, राइट। बी सेवन अपॉन सी सिक्स कितना होगा, बी सेवन अपॉन सी सिक्स कितना होगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन, ये हमको निकालना है। तो पूरे क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन ये निकला, फर्स्ट टर्म एन बी एन सी एन, अगर जो ए वन एन के जगह वन रखेंगे तो ए वन बी वन सी वन ये तीनों बराबर होगा, ये फर्स्ट टर्म है। तो a1 वन इज इक्वल टू बी वन सबका फर्स्ट टर्म ये होगा और ये बराबर है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप इसको यहां इस्तेमाल कर सकते हैं, सब में रख सकते हैं, a1 वन अपॉन डी वन इज इक्वल टू टू ए वन अपॉन डी टू इज इक्वल टू थ्री ए वन अपॉन डी थ्री। तो यहां से रिश्ता आ जाएगा d1 d2 d3 में, सबको d1 d2 d3 तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं, सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो a1 a1 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट d2 इज इक्वल टू 2d1, यू विल गेट d2 इज इक्वल टू 2d1, इसको इधर इसको इधर राइट, इसको इसको इस्तेमाल करिए तो d3 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 3d1, कुछ इस तरीके का आ जाएगा, क्लियर है। अब हमारे पास जो निकालना है, जो एक और गिवन कंडीशन है, इसका भी इस्तेमाल कीजिए। a7 मतलब a1 plus 6d1, ठीक है, d1 d2 d3, इसके लिए d3 होगा तो c1 plus 5d3 is equal to 3 upon 7। यहां पर कुछ इस्तेमाल करना है, a1 और c1 बराबर है तो इसको a1 रख सकते हैं, तो a1 plus 6d1 अपॉन ये ए वन हो गया और डी थ्री के जगह पर यहां से आप उठा करके रख सकते हैं थ्री डी वन, हो जाएगा पंद्रह डी वन, ठीक है, इज इक्वल टू थ्री अपॉन सेवन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं तो आपको मिलेगा फोर्टी टू डी वन इज इक्वल टू थ्री ए वन प्लस फोर्टी फाइव डी वन, राइट। आपको यहां से मिल गया फोर ए वन, फोर ए वन इज इक्वल टू फोर ए वन इज इक्वल टू थ्री डी वन, ए वन और डी वन में रिश्ता आ गया, ए वन और डी वन में रिलेशन आ गया। अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों को निकालना है बी सेवन, बी सेवन अपॉन सी सिक्स, बी सेवन को लिख सकते हैं बी वन प्लस सिक्स डी टू, इसका कॉमन डिफरेंस डी टू है, सिक्स सी सिक्स को लिख सकते हैं सी वन प्लस फाइव डी थ्री। अब चूंकि हम लोगों को सबको एक में कन्वर्ट करना है तो बी वन जो है ए वन है, बी वन जो है वो ए वन है, तो इसको आप रख दीजिए ए वन प्लस सिक्स डी टू के जगह पर, डी टू के जगह पर टू डी वन रख दीजिएगा तो हो जाएगा ट्वेल्व डी वन डिवाइडेड बाई सी वन के जगह पर क्या रख सकते हैं तो सी वन इज इक्वल टू ए वन, ठीक है, फाइव डी थ्री, डी थ्री के जगह पर रख दीजिएगा थ्री डी वन तो हो जाएगा पंद्रह डी वन, ठीक है। अब आप यहां से इसको इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे तो इसको डी वन से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा ए वन अपॉन डी वन प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई
a1 अपॉन d1 प्लस 15 ये आपको मिल जाएगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ये आपको मिल जाएगा। अब यहां पर a1 अपॉन d1, यहां से देखिए a1 अपॉन d1 कितना आएगा, इधर ले आइए a1 अपॉन d1 एंड दिस इज इक्वल टू a1 अपॉन d1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 रख दीजिए यहां पर, 3/4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 15, ये आपको जवाब मिल गया। ये हो जाएगा 51/63 दैट इज इक्वल टू 17/21, सो आंसर विल बी 17/21, सो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन दिस वे यू नीड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। आई होप इट इज क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से आप सवालों पे अटैक करेंगे, अप्रोच होगा आपका ऐसा टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू डील विद द क्वेश्चंस, कुछ और प्रॉपर्टीज बचे रह गए हैं, कुछ तो हमने पिछले के वीडियोस में देखा है, कुछ और प्रॉपर्टीज है, सो वन बाई वन वी विल सी देम और उसके बाद हम लोग सवालों को देखेंगे कि कैसे बनाना है। चलिए पहला तो है ये कि मान लिया जाए तीन नंबर ए बी सी ये एपी में है, अगर तीन नंबर एपी में, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तो इसको आप देख लेंगे, अगर तीन नंबर एपी में है तो यहां से आप लिख सकते हैं 2b बीचला का दुगना बराबर a प्लस थ्री, इसका दुगना बराबर दिस प्लस दिस, ट्वाइस दिस इज इक्वल टू बाजू प्लस बाजू, ये ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। अगर एपी में है तो कैसे ला सकते हैं, अगला माइनस पिछला सक्सेडिंग माइनस प्रीसेडिंग, सो इट विल कम दिस साइड, यू विल गेट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, राइट, दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर। उल्टा अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं दिस इज इन एपी, ठीक है, जैसे किसी का दुगना बराबर दिस प्लस दिस लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में बी को रख दीजिए, वो एपी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं दिख रहा है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो आप एक्स और जेड के बीच में वाई को रख दीजिए, हो जाएगा एक्स इसके बीच में वाई को रख दीजिए, तो ये एपी में होगा। आप कहेंगे सर हम जेड और एक्स के बीच में रखेंगे, जेड और एक्स के बीच में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से आप एपी में है तो उल्टा भी एपी नहीं होगा, इधर से एपी में है, इधर से भी एपी होगा, बस फर्क कितना होगा, कॉमन डिफरेंस अपोजिट हो जाएगा। मान लिया कुछ ऐसा लिखा रहे 2k इज इक्वल टू m प्लस s, 2k इज इक्वल टू m प्लस s, तो m और s के बीच में k को रख दीजिए, m और s के बीच में k को रख दीजिए, तो m के s किस में आ जाएगा, एपी में, m के s थ्री नंबर्स आर इन एपी। सो अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये होगा, या ऐसा दिया हुआ है तो ये होगा, इन दोनों को आप इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही कारगर साबित होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन जनरल वे में ऑल्सो यू कैन हैव अ रिजल्ट, लाइक अगर n एक सीक्वेंस का जनरल ये दिया हुआ है, जैसे n लिखा हुआ है कि दिस इज अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, और कहीं आपको रिलेशन मिल जाए an-1 और an+1, ये लगातार टर्म दिख रहा है सीक्वेंस का, n-1 पीछे, उसके बाद एक, उसके बाद ही सीक्वेंस अगर ऐसा है, दिया रहेगा 2an इज इक्वल टू an-1 प्लस an+1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं an+1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2an-an-1, यू मे गेट टू सी दिस और यू मे गेट टू सी दिस, ऐसा या ऐसा रहे, समझ लीजिए सीक्वेंस जरूर क्या रहा होगा, एपी, दिस मींस दिस सीक्वेंस ये जो है वो एपी है, सीक्वेंस एन जो होगा वो क्या होगा, एपी में होगा। हम यहां पर सिर्फ सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, n 1 2 3 ऐसे रखते जाएंगे, n 1 2 3 ऐसे करते रखते जाएंगे 1 2 3, तो यहां पर देखिए n 1-1 में 0 आ जाएगा, जिससे 2 से स्टार्ट कर दिए, 2 3 4, तो इस तरीके से तीन लगातार टर्म दिख रहे हैं, n n-1 n+1, आपको ऐसा भी दिख सकता है n+2 n+1 और n, लगातार तीन टर्म दिखेगा और उसमें इस तरीके का रिलेशन कहीं अगर जो आ जाता है, इसमें भी आईआईटी का 2011 में सवाल आया हुआ है, सो यू मे गेट टू सी दिस वे और दिस वे इट विल बी रिटन, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एपी में है, ठीक है। तो ये किसी भी दो टर्म का समेशन, किसी का दुगना है, इन दोनों के बीच में इसको रखिए, तो ये एपी में हो जाएगा, ये एपी में हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके आधार पे, वी विल सी वन क्वेश्चन,
सो दैट दिमाग में रहे और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछा गया है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ही देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स और प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट बी ए सी आर इन ए पी, आर इन ए पी। सो यू मे हैव दिस क्वेश्चन, अगर ऐसा रहे कि इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल तो आप क्या लगाएंगे, आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। आप जाएंगे डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए दिस स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, यू मे सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द रिजल्ट, दैट्स फॉर श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। बट दैट कैलकुलेशन डी का कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ डिफिकल्ट होगा। उसी का मैं दूसरा तरीका बताता हूं यहां पे। अगर इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये इक्वेशन को गौर से देखो तो बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के स्मार्टनेस आपको क्वेश्चंस में ऑब्जर्व करने होते हैं। इसमें एक्सरा और वन रखोगे तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, इस इक्वेशन में एक्सरा और वन रखोगे तो सेटिस्फाई कर देगा, एक्सरा और वन रखो तो ये जीरो हो जाएगा, बी और बी कट जाएगा, सी और सी कट जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू वन इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और क्वेश्चन कहता है रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है इसका मतलब एक रूट वन होगा तो दूसरा रूट भी वन होगा, अगर एक रूट वन है तो दूसरा रूट भी वन होगा, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों रूट वन है इसलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वन ही होगा, वन इंटू वन। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन, यहां से आ गया सी माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसको इधर ले आइए सी प्लस बी इज इक्वल टू टू ए, आ गया वही जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जो बार बार देख रहे थे कि क्यों दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ट्वाइस दिस है, तो इन दोनों के बीच में इसको रख दीजिए, इन दोनों के बीच में यानी बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में ए को रख दीजिए, ए पी में होगा, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चंस स्मार्टली कर सकते हैं, और इसमें देख सकते हैं कि हमने कैलकुलेशन ज्यादा नहीं किया है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं किया है। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल जो कि मैंने कोशिश किया समझाने का कि अगर तीन टर्म्स एपी में है तो आप उसको ऐसे करके इस्तेमाल कीजिए, या इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसका मतलब निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, तो यू मे यूज आइदर ऑफ द रिजल्ट दोनों तरीके से। चलिए अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी की। जैसे हमने बोला कि अगर इस तरीके से एपी में है तो उस तरीके से एपी में होगा, इस तरीके का भी कुछ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना होता है। मान लेते हैं लेट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर डॉट 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 ये एपी में है, और ए एन भी लिख देते हैं, चलो ये एपी में है, और एक और एपी में है सीक्वेंस बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी एन, ये भी एपी में, दो एपी में सीक्वेंस है ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आप रिजल्ट देख सकते हैं, क्या क्या आपको प्रॉपर्टी मिलने को यहां पर होगा, वो ये है। देन अगर इस सीक्वेंस कोई एपी में है तो इसका उल्टा भी लिख देंगे, ए वन उधर से ए एन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू डॉट 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 ए टू ए वन, ये भी एपी में होगा। हमने क्या बोला, अगर इस तरफ से एपी में है तो इस तरफ से भी एपी में होगा, उल्टा हमने उसी को लिख दिया तो एपी में ही होगा। दूसरा, अगर सीक्वेंस के सारे टर्म्स में, अगर सारे टर्म्स में इंडिविजुअल टर्म्स में कुछ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो भी एपी में रहेगा, मतलब ए वन प्लस या माइनस कीजिए, ए टू प्लस या माइनस कीजिए, मतलब अगर प्लस कर रहे तो सब में प्लस करना, माइनस कर रहे सब में माइनस करना है, तो भी ये एपी में ही होगा, सीक्वेंस विल बी स्टिल इन एपी, वो भी एपी में होगा। अगर कुछ नॉन जीरो कांस्टेंट से गुणा कर दीजिए, मान लिया सब जीरो जीरो भी हो जाएगा तो एपी में ही होगा, सारा टर्म बराबर हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अगर आप के ए वन के ए टू कुछ से गुणा करते हैं तो भी सीक्वेंस एपी में ही होगा, बस फर्क कितना है कि टर्म्स बदल जाएंगे और कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा, लेकिन सीक्वेंस का जो प्रॉपर्टी है, जो नेचर है, वो एपी ही होगा। अगर डिवाइड करते हैं नॉन जीरो से, क्योंकि जीरो रहेगा डिफाइन नहीं होगा, ए वन अपॉन के, ए टू अपॉन के, ए थ्री अपॉन के, ये भी एपी में होगा। यहां से ये बात पता चला कि
किसी सारे टर्म्स में, किसी भी एपी सीक्वेंस में, इन इच टर्म इफ यू एड समथिंग, सब्ट्रैक्ट समथिंग और मल्टीप्लाई बाय समथिंग और डिवाइड बाय समथिंग, देन द सीक्वेंस विल बी स्टिल इन एपी, सीक्वेंस अभी भी एपी में होगा, इन तीनों से ये पता चला। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो भी एपी में होगा। अगली बात, अगर सबका कुछ पावर कर दें, A1 का पावर के, A2 का पावर के, A3 का पावर के, तब ये एपी में नहीं होगा, नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, बशर्ते कि के बराबर 0 और 1 ना हो। अगर के बराबर 0 हो गया तो सब 1 1 1 हो जाएगा, और उस केस में अगर नॉन जीरो है कोई नंबर, उसमें एक भी जीरो होगा तो फिर डिफाइन ही नहीं होगा, तो नॉन जीरो है तो फिर से 1 1 1 आ जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो वही 1 रखेंगे तो सब वही सीक्वेंस आ जाएगा, तो एपी में हो जाएगा। यानी इन जनरल अगर जो कहा जाए तो पावर करने पे, कुछ केस पावर कर दिया जाए तो वो सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला है कि इन दोनों सीक्वेंस को अगर दोनों एपी का इस्तेमाल किया जाए, मान लिया जाए आपके पास ऐसा है कि A1 दोनों को जोड़ दीजिए, A1 प्लस B1 करस्पॉन्डिंग टर्म को, इफ यू आर एडिंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स देन दिस सीक्वेंस विल बी स्टिल इन एपी, द सीक्वेंस विल बी स्टिल इन एपी। और अगर घटा दें A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3, ये अभी भी एपी में होगा, ये अभी भी एपी में होगा। तो अगर करस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़िए या घटाइए तो भी एपी में होगा, लेकिन गुना करने पे ऐसा नहीं है, गुना करने पे ऐसा नहीं है। नॉन जीरो अगर मतलब नॉन कांस्टेंट एपी है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब सब में के से गुना हो गया तो प्रीवियस प्रॉपर्टी से वो फिर से एपी में हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इन जनरल नहीं होगा। कब हो सकता है? तो उस समय हो सकता है जब सारा टर्म सेम हो जाए किसी एपी में, ठीक है। तो ये नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, इन जनरल ये होगा। डिवाइड करने का अगर जो आपके पास ऑप्शन है, मतलब कोई भी जीरो टर्म नहीं आ रहा है उसमें, तो डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करने पे भी एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। इस तरीके से आप इन सारे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी मे हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा इसके आधार पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टी करते हैं, बहुत बार इस्तेमाल होगा ये। सीक्वेंस एंड सीरीज करने को तो एक चैप्टर है, लेकिन यकीन मानिए कहीं ना कहीं ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि बाकी के चैप्टर्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब इसको कह सकते हैं कि एज ए बेसिक प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करते हैं बाकी के चैप्टर्स में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट ए बी सी आर इन एपी, लेट ए बी सी आर इन एपी, देन प्रूफ करने के लिए कुछ रह सकता है, देन तो मैं प्रूफ करने के लिए जो रहेगा मैं वही प्रूफ कर देता हूं कि क्या क्या हो सकता है इसमें। जैसे अगर पहला देखिए, अगर एबीसी एपी में है, अगर एबीसी एपी में है तो इसको अगर एबीसी से डिवाइड किया जाए, डिवाइड ऑल द नंबर्स, ऑल द टर्म्स बाय एबीसी, तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर सीक्वेंस के हर एक टर्म्स को कुछ से गुना किया जाए, डिवाइड किया जाए तो भी वो एपी में होगा। तो इस तरीके से अभी सबसे डिवाइड किए तो भी एपी में होगा, ये मान के चलने कि कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/BC, 1/CA, 1/AB, ये एपी में होगा। सो यू मे हैव दिस एज ए क्वेश्चन टू प्रूफ, ऐसा हो सकता है कि एबीसी आर एपी, प्रूफ दिस, ठीक है। दूसरा, इसी को और आगे बढ़ाते हैं, इन ईच टर्म एड, मतलब मल्टीप्लाई बाय AB प्लस BC प्लस CA, हर एक टर्म में आप इसे गुना कर दो, AB प्लस BC प्लस CA, क्योंकि हर एक टर्म में AB प्लस BC प्लस CA, हर एक टर्म में अगर आप किसी नंबर से या एक्सप्रेशन से गुना करते हैं तो भी वो एपी में होगा। तो अभी भी सारे टर्म में, इसमें 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 सब में एबी प्लस बीसी प्लस सीए से हमने गुना कर दिया तो अभी भी एपी में है। लेकिन अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल सकता है, तो देखिए, बीसी अपॉन बीसी 1 हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ आएगा, एबी प्लस सीए अपॉन बीसी प्लस 1, फिर ये हो जाएगा एबी प्लस बीसी अपॉन सीए प्लस 1, और फिर ये हो जाएगा BC प्लस CA अपॉन AB प्लस 1, ये अभी भी AP में होगा,
हमने क्या किया, बीसी बेटा बीसी वन हो जाएगा, सीए बेटा सीए वन हो जाएगा, उसको अलग कर दिया। अब सब टर्म में वन 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 है, सब में अगर जो वन से घटा दें, सब में वन घटा दें तो सब्ट्रैक्ट ईच टर्म बाय वन, तो आपको मिल जाएगा ए बी प्लस सी ए अपॉन बी सी, ए बी प्लस बी सी अपॉन सी ए, बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी, और ये अभी भी किसमें होगा, एपी में। सो यू मे हैव दिस एज ए क्वेश्चन टू प्रूव, आपको ऐसा भी दिख सकता है कि अगर एबीसी एपी में है देन प्रूव दैट दिस 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 आर इन एपी, इस तरीके के भी आपको सवाल दिख सकते हैं। दूसरा, और यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मान लिया जाए ऐसा रह सकता है, सपोज कीजिए आपके पास ऐसा है, हर एक टर्म को आप घटा दीजिए एबीसी तो भी एपी में रहेगा, तो भी ये एपी में रहेगा, राइट। एज पर द प्रॉपर्टी, अगर जो आप किसी एपी के सीक्वेंस में सारे टर्म्स को किसी से गुना करते हैं, किसी से डिवाइड करते हैं या कुछ जोड़ते हैं घटाते हैं तो भी वो एपी ही रहेगा, तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस सी, माइनस सी प्लस ए, माइनस ए प्लस बी, ये अभी भी एपी में है। अगर सारे टर्म में अगर माइनस वन से गुना कर दिया जाए फिर भी एपी में रहेगा, तो आपको बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, ये अभी भी एपी में रहेगा, तो ये आपको प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से सिर्फ इस एक एबीसी यानी एपी से अलग अलग तरीके के डेरिवेशंस पूछे जा सकते हैं, और उन सारे डेरिवेशंस में आपको देखने को जो मिलेगा वो एक ही चीज मिलेगा, और वो है आपका क्या कि कुछ जोड़ने से, कुछ घटाने से, कुछ गुना करने से क्या चेंज होता है, वो एपी में ही रहता है या नहीं रहता, उसी का इस्तेमाल कर करके आप ऐसे सवालों को प्रूफ कर सकते हैं। या यू कैन चूज एनी अदर ऑप्शन दैट माइट बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन हाँ प्रूफ तो कर लेंगे। लेकिन ऐसे प्रॉपर्टीज को अगर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं देन इट विल सेव योर टाइम, राइट। नाउ हमने बोला, आपने पढ़ा था कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर डॉट 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 एन या एन माइनस वन एन, इसमें एक चीज देखे थे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का समेशन, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म का समेशन क्या होता है, सेम होता है। ए वन प्लस एन इज सेम एज ए टू प्लस ए एन माइनस वन इज सेम एज ए थ्री प्लस ए एन माइनस टू एंड सो ऑन। आप उसको चेक करने का ये भी तरीका है, एन प्लस वन यहां जोड़कर क्या रहा है, यहां भी एन प्लस वन आ रहा है, यहां भी एन प्लस वन आ रहा है, तो एन प्लस वन मतलब फर्स्ट और लास्ट का समेशन, तो इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इन एन एपी, इसी को मान लेते हैं एपी में है, ठीक है, तो इसमें आप एक लिख सकते हैं कोई भी टर्म, एनी टर्म कैन बी रिटन एज, मान लिया यहां पर बीच में एक टर्म है आरएच टर्म, आरएच टर्म, तो उससे आप के टर्म आगे बढ़ जाइए और उससे के टर्म पीछे बढ़ जाइए, के टर्म आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा ए आर प्लस के, के टर्म पीछे हो जाएगा तो ए आर माइनस के, आर वा टर्म है उसमें के आगे बढ़िएगा के पीछे बढ़िएगा, तो ए आर माइनस के प्लस ए आर प्लस के अपॉन टू इसके बराबर होगा। एनी टर्म इज द एवरेज ऑफ टू इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम इट, उससे जो दो समान दूरी पे, कैसे, सिंपल सा है, के आगे बढ़ेगा तो उतना डी झुकता जाएगा, एक आगे बढ़ेगा प्लस डी, दो आगे बढ़ेगा प्लस टू डी, थ्री डी, तो के आगे बढ़ेगा तो प्लस के डी, इधर आगे बढ़ेगा तो माइनस के डी, डी घटता जाएगा, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो के डी और माइनस के डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वही टर्म दो बार आ जाएगा। देखिए ए आर प्लस के क्या होगा, ए आर प्लस के डी, ए आर माइनस के क्या होगा, ए आर माइनस के डी, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, ये कैंसिल टू ए आर, तो ए आर बराबर इतना आ जाएगा। सो एनी टर्म इन एन एपी, बस ये रहे कि उसके पहले टर्म हो उसके बाद टर्म हो, ये डिफाइन होना चाहिए, मतलब यहां से तीन टर्म पीछे थे, यहां से तीन टर्म पीछे जा ही नहीं सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आर और के का कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि आपको दोनों तरफ साइड में टर्म मिलता है। देन एनी टर्म इन एन एपी, एपी में एनी टर्म कैन बी रिटन एज द एवरेज ऑफ टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट, उससे समान दूरी पे एक इधर टर्म एक इधर टर्म, उन दोनों का एवरेज के बराबर होगा। दिस इज व्हाट यू कैन राइट। वन मोर प्रॉपर्टी हियर यू कैन ऑब्जर्व कि कोई एपी है, अगर कोई एपी है तो उसके इक्विडिस्टेंट पे अगर जो टर्म लेते हैं तो भी एपी में होगा, जैसे एपी, एपी प्लस क्यू, एपी प्लस टू क्यू, एपी प्लस थ्री क्यू, इस तरीके से ये एपी में होगा, ये पीएफ पोजीशन पे ले लिए और फिर के टर्म छोड़ करके, फिर के टर्म छोड़ करके, तो वो अभी भी
एपी में ही होगा। जैसे इसमें एग्जांपल लिया जाए कि ए वन ए टू ए थ्री एपी में है, तो आप देखिए मान लिया ले लिया ए थ्री एग्जांपल के तौर पे, और इसमें दो जोड़ दिया ए फाइव, इसमें दो जोड़ दिया ए सेवन, इसमें दो जोड़ दिया ए नाइन, ये किसमें होगा, तो ये एपी में होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, टू डी टू डी टू डी। कब? जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी है तो इसमें 2D हो जाएगा। सो अगर समान दूरी पे अगर टर्म लेते जाते हैं एपी का, तो वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही फॉर्म करेगा, वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही फॉर्म करेगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव। एक है assumptions of terms in AP। अगर AP में कुछ terms को assume करना है, अगर AP में terms को assume करना है, assumptions of terms in AP, assumption of terms in AP, तो आप आराम से A A plus D A plus 2D ऐसे मानने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई AP अगर जो आपको मानना हो, अगर किसी सवाल में अननोन है और अपने तरीके से मानना हो, तो A A plus D A plus 2D A plus 3D ऐसा मानने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कभी कभी सहूलियत के लिए आप इस तरीके से मान सकते हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको दो तरीके के सिचुएशन होंगे, एक जब नंबर ऑफ टर्म्स जो अस्यूम करना है वो ऑड हो सकता है, और एक जब नंबर ऑफ टर्म्स जो अस्यूम करना है वो इवन हो सकता है। मिनिमम सिक्वेंस में तीन टर्म होने ही होने हैं, तभी सीक्वेंस में कम से कम उसकी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि एपी है या जीपी है। देयर शुड बी मिनिमम थ्री टर्म्स टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज इन एपी और जीपी और एचपी, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, दो तरीके की बात होगी। एक है व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, और एक होगा व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, ठीक है। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा तब, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा तब। मान लिया यहां पर ऑड में मैंने बोला मिनिमम तीन टर्म, तो यहां तीन से शुरुआत होगा, तीन हो सकता है, पांच हो सकता है, एन बराबर सात हो सकता है। अगर इसमें मानना हो तो आप ऐसे मान सकते हैं, ए आप एक आगे बढ़ जाइए ए प्लस डी, और एक पीछे बढ़ जाइए ए माइनस डी। इससे क्या होगा मानने से, कि जब कभी भी ऐसा जरूरत पड़ेगा कि सम ऑफ टर्म्स इन एपी, तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स है और उसका समेशन दिया हुआ, तो ये समेशन में डी और डी तुरंत कैंसिल हो जाएगा और कंसिक्वेंटली तुरंत फटाक से आप रिजल्ट ले आएंगे ए का वैल्यू, तो एक अननोन निकल जाएगा। एनी हाउ टू सॉल्व दी अननोन्स इक्वेशंस विल बी देयर, और जितना कम से कम अननोन्स हो उतना कम से कम इक्वेशन फॉर्म होगा और उतनी कॉम्प्लेक्सिटी घटी रहेगी। तो इसीलिए आप खास करके तब जब सम ऑफ टर्म्स इन एपी दिया हुआ हो तो इस तरीके से मानने में सहूलियत होती है। अगर फिर एन बराबर फाइव दिया हो तो बीच में मान लीजिए एक ए प्लस डी इधर बढ़ जाइए, एक ए माइनस डी इधर बढ़ जाइए, एक और इधर बढ़ जाइए ए प्लस टू डी, और एक और इधर बढ़ जाइए ए माइनस टू डी। तो इस तरीके से पांच टर्म्स मान सकते हैं। सिमिलरली यहां पर ए प्लस डी इधर, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, और इधर हो जाएगा ए माइनस डी, ए माइनस टू डी और ए माइनस थ्री डी। तो सात टर्म आपको मिल जाएगा, तीन टर्म रहे तो ऐसा, पांच टर्म रहे तो ऐसा, इस तरीके से आप अस्यूम कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो से शुरुआत नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम टर्म्स कितने चाहिए, तीन, तो आप एन बराबर चार से शुरुआत कर सकते हैं, एन बराबर छह ले सकते हैं, एन बराबर आठ ले सकते हैं। अच्छा, इसमें बीच का टर्म नहीं होगा, चार टर्म है तो इसमें बीच में कहां होगा, इधर दो इधर, तो बीच में कोई टर्म नहीं, तो आपको दो टर्म बीच में मानना पड़ेगा अपने मन से, एक ए माइनस डी है, एक ए प्लस डी, ताकि दोनों को जब जोड़े तो डी और डी कैंसिल हो जाए। अब दो टर्म मान लिया तो एक टर्म इधर मानेंगे, एक टर्म इधर मानेंगे, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, देखिए कितना से बढ़ा है, दिस माइनस दिस करेगा टू डी से बढ़ा है, डी से नहीं बढ़ा है, टू डी से बढ़ा है, ये हो जाएगा ए प्लस थ्री डी और ए माइनस थ्री डी, ऐसे करके मान सकते हैं। सिमिलरली ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फाइव डी, दो दो डी से बढ़ना है और घटना है, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस फाइव डी, इस तरीके से आप अस्यूम कर सकते हैं टर्म्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो इसमें मिडिल टर्म दो होंगे तो दो मानना पड़ेगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म एक ही होगा, एक ही होगा मिडिल टर्म, एक इधर बढ़िए एक इधर बढ़िए, एक इधर बढ़िए एक इधर बढ़िए, इस तरीके से उधर दो बीच में मान लीजिए तब एक उधर इधर बढ़ते रह सकते हैं, लेकिन दोनों में कैसा मानना है ताकि डी कैंसिल हो जाए, तो एक में प्लस डी एक में माइनस डी, दोनों का डिफरेंस वहां पर कितना दिख रहा है टू डी, तो टू डी से आप आगे बढ़ेंगे, टू डी से आप घटेंगे, इस तरीके से। सो व्हेन यू अस्यूम द टर्म्स ऑफ एन एपी इन सच ए मैनर देन
एक जो है सम करने पे डी कैंसल हो जाएगा, सो वेरी इजिली यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ डी। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए अब हम लोग कुछ सवालों के साथ जुड़ते हैं, सवाल करते हैं। और कुछ सबसे पहला ही सवाल चलो मैं लेता हूं, एक आईआईटी का क्वेश्चन मैं लेता हूं, एक आईआईटी का क्वेश्चन लेता हूं जो 2017 में आया था। मान लिया जाए आईआईटी का सवाल है, द साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, द साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर इन एपी इफ इट्स एरिया इज 24 स्क्वायर यूनिट्स, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड, फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड, फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था 2017 में। आई होप एज फार एज आई रिमेम्बर कि ये 2017 में आया था, ठीक है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, क्या किया जाए, एक एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है तीन आप टर्म्स ले सकते हैं, a प्लस डी वैसे भी मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसे मान लेते हैं कि मान लिया ये a माइनस डी है, ये a है, a प्लस डी है। बोलो सर यही क्यों होगा, तो तीन टर्म्स जब मानेंगे तो आप ऐसा मानेंगे a माइनस डी, a a प्लस डी, इसमें सबसे बड़ा या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर d पॉजिटिव है, अगर d पॉजिटिव है तो ये सबसे बड़ा होगा, तो इसको हाइपोटेन्यूस मान लिया। तो आप एक तो यहीं से रिलेशन लिख सकते हैं कि a प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और a माइनस डी का स्क्वायर। इसको इधर अगर जो आप ले आए तो ये इधर आने पे a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, 4ab, तो हो जाएगा 4ad इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऑफकोर्स ए विल नॉट बी इक्वल टू जीरो क्योंकि साइड लेंथ है, तो 4d इज इक्वल टू a। एक रिलेशन आपको यहां से मिल गया, a इज इक्वल टू 4d। नाउ ऑल्सो इट इज गिवन दैट एरिया इज 24, एरिया दिया हुआ है 24, तो एरिया जो है अगर 24 है, एरिया इज इक्वल टू 24, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, a इंटू ए माइनस डी इंटू हाइट, ये आ गया दिस इंटू दिस, राइट। अब यहां पर आप इसको a इज इक्वल टू 4d रख सकते हैं, यहां पर रख देते हैं हम 4d इंटू a इज इक्वल टू 4d माइनस ad, 3d इज इक्वल टू 40a। यहां से आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाय डी इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 2 आ गया तो ए इज इक्वल टू 4d है, 8 हो जाएगा। देयरफॉर साइड्स विल बी, साइड्स विल बी क्या क्या, साइड्स क्या क्या आ जाएंगे आप यहां से देख लो, a प्लस डी यानी 10 हो गया, a माइनस डी 6 हो गया और a 8 हो गया। तो आपके पास साइड लेंथ आ गया 10, 6 और 8, सबसे छोटा क्या हो गया, सबसे छोटा क्या हो गया 6, यानी आंसर विल बी 6, आंसर विल बी 6। डी आपने पॉजिटिव मान रखा था इसलिए डी 2 लिया, निगेटिव मानते तो डी माइनस 2 आता, उल्टा ऑर्डर में हो जाता। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी आल्सो, इट्स वेरी इजी, आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 में एक सवाल आया था, उसके पहले एक छोटा सा सवाल कर लें कि मान लिया जाए एक सेट ए है 2, 4, 6 अप टू 100 टर्म्स, इसमें 100 टर्म्स है, ठीक है। पहले एक छोटा सवाल करते हैं, देन आई विल डिस्कस द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्किंग 2018 आईआईटी एडवांस में आया था। एक दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरा सेट है जिसमें 3, 8, 3, 6, 9 इस तरीके से 80 टर्म्स है, या ये कह सकते हो कि ये एक एपी है और एक दूसरा एपी है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके टर्म्स आपको किसमें दिख रहे हैं, एपी में है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज वन एपी एंड दिस इज अनदर एपी। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, 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 ये आपको मान लिया निकालना है। तो आपको इन दोनों में कॉमन तो एक तो दिख गया 6, ये दो दो से बढ़ रहा है, ये दो दो से बढ़ रहा है और ये तीन तीन से बढ़ रहा है, ये तीन तीन से बढ़ रहा है।
तो कहीं ना कहीं वो दो दो से बढ़ रहा है और तीन तीन से बढ़ रहा है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो जो पढ़ने वाला होगा वो छह छह से होगा, दोनों के एलसीएम से बढ़ेगा। तो ये छह आया तो अगला बारह आएगा, एक छह आया, कॉमन टर्म्स देखेंगे, कॉमन टर्म्स देखेंगे तो ऐसा कुछ होगा, एक छह आया तो अगला बारह आएगा, अगला अठारह आएगा, इस तरीके से। कितना टर्म होगा हमको पता नहीं, मान लेते हैं एन, एनवा टर्म इसका क्या होगा नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसमें अगर जो आप देखें तो इसका सौवा टर्म होगा 200, क्यों, क्योंकि दिख रहा है कि दो का मल्टीपल है, दो दो दुना चार, दो तीन छह, तो 200 होगा, और ये तीन का मल्टीपल है, तीन 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 दुना छह, तीन तीन नौ, तो ये हो जाएगा 240। तो दोनों में जो कॉमन होगा, आखिरी टर्म इसका 200 है, इसका आखिरी टर्म 240 है, दो एपी दिया होगा, कॉमन टर्म्स कहां तक जाएगा, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम 200 तक जाएगा और ये मैक्सिमम 240 तक जाएगा, तो दोनों में कॉमन कहां तक जाएगा, तो मैक्सिमम तो यहीं तक जा सकता है ना, कॉमन इससे आगे बढ़ जाएगा तो इसमें मिलेगा लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, तो मैक्सिमम 240 तक 200 तक होगा, यानी ये मैक्सिमम 200 तक जा सकता है, सो दिस कैन बी मैक्सिमम 200, उससे ज्यादा नहीं होगा। मान लेते हैं कि ये 200 ही है, मान लेते हैं कि ये 200 ही है, अगर किसी एन के लिए ऐसा पॉसिबल हुआ तो टीएन होगा 6 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज ऑल्सो 6, सो इट विल बी इक्वल टू 200, राइट। यहां से एन कितना आ जाएगा, एन इज इक्वल टू, इसको 6 घटा दो कितना आ जाएगा, यहां से 200 माइनस 6 194 और बटा 6 और प्लस 1 ये आएगा, ये कितना आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, या आप कितना लिखेंगे, 6 से डिवाइड कर दो, 6 3 18 और 1 33 समथिंग आएगा, 33 समथिंग, दशमलव क्या है पता नहीं, लेकिन n नेचुरल नहीं आया, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमने क्या बोला था, अगर नेचुरल नंबर नहीं है देन दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में 200 नहीं होगा, चलो 200 नहीं होगा, 33वां से ज्यादा में 200 आता तो 33वां नहीं होगा, 33 से ज्यादा नहीं होगा लेकिन 33 तक होगा, यानी इसका जो ये वाला पार्ट है, ये जो आया वो चूंकि इंटीग्रल नहीं है, पॉइंट समथिंग समथिंग है, जिसका इंटीग्रल पार्ट ले लीजिए उतना टर्म कॉमन होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स विल बी इक्वल टू 33। ये पहले हमने सवाल किया था, आप उसमें देखिएगा जो पिछले वीडियोस में, कि इफ कोई सीक्वेंस एपी में दिया हुआ तो क्या एक पर्टिकुलर कोई नंबर लिया, इज इट अ पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस, तो उसको ऐसे ही निकालते हैं, जनरल टर्म लिख करके उसको इक्वेट कर ले, अगर एन नेचुरल नंबर आ गया तो वो उसका पार्ट है और नहीं तो वो पार्ट उसका नहीं है, तो ये इंटीग्रल नहीं आया है, नेचुरल नंबर नहीं आया, ये पार्ट नहीं है, तो 33 उसके पहले होगा, वहां तक आपका कॉमन टर्म होगा। अब इस छोटी सी बात पे आईआईटी 2018 में सवाल पूछा है, क्वेश्चन जो है 2018 के आईआईटी का सवाल बहुत ही आसान सा है, लेकिन उसमें कॉमन टर्म्स की जगह उसका इस्तेमाल है, लेकिन उसके जगह पर वो कुछ और पूछ दिया, सेट का इस्तेमाल कर लिया, क्या, तो देखिए 2018 का आईआईटी का सवाल, क्वेश्चन वाज आस्किंग 2018 आईआईटी एडवांस, एक सेट ए है जो कि दिया हुआ था 1611 पांच पांच से बढ़ रहा है और इसमें 2018 टर्म्स हैं, एक सेट है ये कंटेनिंग द टर्म्स 2018 टर्म्स है, एक सेट है वाई, एक सेट है वाई और वो शुरुआत हो रहा है 9 से और ये 7-7 से बढ़ रहा है, 9 7 16 7 23 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक्स और वाई क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, ये क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है। आप पहला सेट देख रहे हैं उसमें जो एलिमेंट्स है वो भी एपी में है, दूसरा सेट जो देख रहे हैं उसका भी एलिमेंट्स एपी में है, तो कहीं ना कहीं ये एपी में सिक्वेंस दिया हुआ है, एपी में ये सिक्वेंस दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, जो अभी आप पिछला सवाल देखे हैं वही सेम डिट्टो सवाल दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं कि अगर अच्छा 1 6 5 इसमें 5 जोड़ देंगे 16, तो ये तो फर्स्ट कॉमन टर्म्स दिख गया, कॉमन टर्म्स का सीक्वेंस निकालिए, कॉमन टर्म्स तो ये हो जाएगा 1 तो 16 आ गया, बढ़ेगा कितना तेज से, ये 5 से बढ़ रहा है, ये 5 से बढ़ रहा है, ये 5 से बढ़ रहा है, ये कितना से बढ़ रहा है 7 से, ये कितना से 7 से, तो दोनों के एलसीएम से बढ़ेगा, कितना से बढ़ेगा 7 5 35, इसका अगला टर्म 35 जोड़ने पे आएगा,
35 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 51। इस तरीके से ये सीक्वेंस आएंगे। मान लेते हैं कि इसका जनरल टर्म Tn जो है वो उस सीक्वेंस तक जाता है मैक्सिमम, वो Tn n निकालना पड़ेगा। अब आइए इसके आखिरी टर्म को देखिए, जो कॉमन टर्म होगा इन दोनों में जो छोटा होगा वहीं तक जाएगा, क्योंकि कॉमन रखना है तो दोनों में हो सके तो छोटा तक ही पहुंच पाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आखिरी टर्म 1 + 2018 - 1 = 5 और ये होगा 9 + 2018 - 1 = 7। तो ये 2017 × 7 है, 2017 × 5 है, तो ज्यादा कौन हुआ, ये हुआ। तो यहां तक मैक्सिमम जा सकता है 2017 × 5 = 85 और 1 = 86 10,086 मैक्सिमम वहीं तक जा सकता है। तो इसका जो जनरल मैक्सिमम टर्म होगा वो यहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा, कहां तक 10,086 यहीं तक जा सकता है। अभी जो हमने सवाल बनाया Tn इसका क्या होगा बेटा, तो Tn होगा फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 35 इज इक्वल टू 10,086। n विल बी इक्वल टू दिस माइनस 16, सो इट विल बी 10,070/35 + 1 इट विल बी इक्वल टू, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा 7,288 point something अगेन इट इज पॉइंट समथिंग। दिस पॉइंट समथिंग मीन्स यहां पर कुछ ना कुछ आएगा, इट डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब ये उस सीक्वेंस का पार्ट नहीं होगा लेकिन उससे पहले 288 तक होगा, यानी n जो होगा देयरफॉर नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स 288 होगा। इसको कॉमन टर्म दो सेट में रहे उसको कहते हैं x इंटरसेक्शन y इज 288। अब आप ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया है a यूनियन b, तो नंबर ऑफ x यूनियन y इज नंबर ऑफ x एलिमेंट इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो हो जाएगा कितना 2018 + 2018 - 288 तो हो जाएगा कितना 4,036 - 288 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, आईआईटी में भी सवाल ऐसा होता है जो आप बना सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं आपको आएगा, आप कोशिश कर सकते हैं, आप सवाल को देख सकते हैं कि किस तरीके का सवाल आईआईटी में आता है। ठीक है, ठीक है, चलिए एक और सवाल करके हम लोग देखते हैं। नाउ लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग करके देख सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैरायटी, अलग तरीके से। मान लिया ऐसा है, इफ सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये कह सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of two APs are in the ratio 7n + 1 = 4n + 27, then find the ratio of their 11th terms. क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपी, दो अलग अलग एपी है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, एक एपी का समेशन को मान लो sn और दूसरे को कह दो s डैश n, s मतलब समेशन वही लेकिन s डैश, दो अलग अलग एपी इसलिए ऐसा कह दिया, और वो गिवन है 7n + 1 / 4n + 27 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अब आपको जो निकालना है वो 11th टर्म, यानी मान लेते हैं t11 / t-11, ये आपको निकालना है,
एक का टर्म को डिनोट कर दिया टी से, एक को टी डैश से, तो टी इलेवन। अच्छा फर्स्ट टर्म उसका भी ले दिया कॉमन डिफरेंस, दोनों को मान सकते हैं फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। एक का मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, डैश वाला मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए डैश कॉमन डिफरेंस डी डैश। तो यहां से आपको एक चीज मिलेगा और वो ये है कि एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी डिवाइडेड बाई एन बाई टू टू ए डैश प्लस एन माइनस वन इन टू डी डैश एंड दिस इज इक्वल टू 7n plus 1 upon 4n plus 27। ये n by 2 cancel हो गया। अगर जो आप इसके general term को इसको ध्यान दीजिए तो ये होगा a plus 10d upon a dash plus 10d dash। तो हमको ऐसा ratio चाहिए a plus d में, तो यहां पर दिख रहा है n by 2 करने के बाद 2a plus 2a plus, तो इसको 2a 2 को cancel कर सकते हैं, तो 2 cancel cancel होगा common ले लीजिए, तो you can get this a plus n minus 1 by 2 into d और a dash plus n minus 1 by 2 into d dash and this will be equal to 7n plus 1 upon 4n plus 27। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप थोड़े देर के लिए ऐसा कीजिए, क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम लोगों को ऐसा चाहिए a plus something a plus something, तो a चाहिए तो दो कॉमन ले लीजिए, दो यहां डिवाइड हो गए। अब थोड़े देर के लिए एक काम कीजिए, n minus 1 by 2 यहां भी है यहां भी, a plus something भी a dash plus something dash, जो यहां समथिंग है वही यहां समथिंग। गौर से देखिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कैपिटल एन रख दीजिए, एन माइनस वन बाई टू को कैपिटल एन रखेंगे तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन डी डिवाइडेड बाई ए डैश प्लस एन डी डैश। अब बेटा ये स्मॉल एन चेंज हो गया कैपिटल एन में, तो यहां भी स्मॉल एन चेंज हो जाएगा कैपिटल एन में। कैसे चेंज होगा, तो एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू एन, तो टू इधर गुना होगा टू एन प्लस वन, तो इट विल बी टू एन प्लस वन अपॉन 2n प्लस 1। ये आ गया रिजल्ट। अब n बराबर यहां पर जो रखिएगा वहां रख दीजिए, यहां जो रखिएगा तो यहां पर 10 रखना है तो यहां भी 10 रख दीजिए, सो यू विल गेट क्या 7 गुने 10 गुने 20 21 प्लस 1 और 7 गुने 21 प्लस 27 क्या मिल जाएगा 148 अपॉन 148 अपॉन 174। होपफुली दिस विल बी व्हाट यू विल गेट। देखिए सही है या गलत है, सॉरी यहां पर मैंने गलत किया, ये 21 गुने 4 होगा, 21 गुने 7 होगा, 21 चौक 84 111, तो ये सैट 37 से कैंसिल हो जाएगा, 37 इंटू 4 ये आएगा, 37 इंटू 3 ये आएगा, 4 अपॉन 3, सो रेशियो ऑफ 11th टर्म्स विल बी 4 अपॉन 3, दिस विल बी योर आंसर। सो दिस टाइप यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। हाँ इस वीडियो में आपको ये जरूर लगा होगा कि आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन अ लिटिल फास्ट, तो आप कोशिश कीजिएगा पॉज करके उसको फिर से देखने का, और इस तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है, कुछ ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। इफ यू वांट वी कैन सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, अगर जो आप देखना चाहें तो एक और सवाल करके देख सकते हैं इसी तरीके का, छोटा सा बस एपी का प्रॉपर्टी जो हमने इस्तेमाल किया उसके आधार पे एक सवाल करके देखा जा सकता है, और फिर अगले वीडियो में और कुछ सवालों को देखेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा सवाल करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। इफ 5 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 टू द पावर 1 माइनस एक्स कमा ए बाई टू 25 टू द पावर एक्स प्लस 25 टू द पावर माइनस एक्स आर इन एपी, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ए की किस वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है, या फाइंड द पैरामीटर ऑफ वैल्यू ए, ऐसा किस तरीके से हो सकता है। बहुत ही आसान है बेटा, अभी हमने बात किया कि अगर दिस 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 ये तीन टर्म्स एपी में है, अभी कुछ देर पहले बात किया तीन टर्म्स एपी में है, तो दिस प्लस दिस विल बी ट्वाइस दिस, यानी टू इंटू ए बाई टू विल बी इक्वल टू 5 टू द पावर 1 प्लस एक्स 5 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 25 टू द पावर एक्स प्लस 25 टू द पावर माइनस एक्स,
ये टू और टू कैंसल हो गया, यू विल गेट ए इज इक्वल टू, ये फाइव इंटू है, ये भी फाइव इंटू है, इसको ऐसा लिख सकते हो फाइव टू द पावर एक्स, और माइनस एक्स को लिख सकते हो वन अपॉन फाइव टू द पावर एक्स, इसको लिख सकते हो 25 टू द पावर एक्स, 1 अपॉन 25 टू द पावर एक्स। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, समथिंग प्लस 1 बाय समथिंग, x प्लस 1 बाय x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अगर x पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, ये एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होगा और इसका वैल्यू भी 2 या 2 से बड़ा होगा, दोनों का इक्वालिटी होल्ड करेगा कहां पे, 2 पे, और 2 कब होगा जब x बराबर 0 होगा, तो ये 5 गुना 10 और ये 2 12, सो दिस विल बी टोटली ग्रेटर देन इक्वल टू 12, सो ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12। बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें इसका इस्तेमाल कीजिए, आप इसको एमजीएम का प्रॉपर्टी कर लीजिए या बेसिक इनइक्वालिटी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना चाहिए। इसी में एक रिजल्ट होता है कि x + 1 / x विल बी लेस देन इक्वल टू -2 फॉर ऑल x लेस देन 0। इक्वालिटी कहां होल्ड करेगा, x बराबर 1 पे, 1 + 1 / 1 2 होगा, इक्वालिटी कहां होल्ड करेगा, x बराबर -1 पे। तो इन दोनों रिजल्ट को बहुत बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन गेट टू see this type of inequality many times in your question. I hope that will be enough for this video. In the next video, I will come up with a few more examples based on this arithmetic progression, and we will talk about geometric progression, harmonic progression. Alright, so if you have any doubt, you can write it in the comment section. You can join me on Telegram channel, Maths for IITJE, 4 matlab 4, sab ek saath, M-A-T-H-S, F, 4 matlab 4, I-I-T-J-E-E. उस पे ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।